आप सभी जब तैयारी करते हैं, प्रत्येक वर्ष हम लोग नवीन बैच लेकर आते हैं। इससे पहले की जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में हमने एक बैच शुरू किया था, एकलव्य बैच। आज लगभग 150 बच्चे उस बैच के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये अपार प्रसन्नता की बात है इस पूरी टीम के लिए। और इसी से प्रेरित होकर आप लोगों की बेहद मांग पर पुनः यह टीम एक बार फिर से एकलव्य बैच लेकर आ रही है यूपीपी यूपीएसआई के लिए, जिसमें यह पूरी टीम बहुत जबरदस्त मेहनत करने चल रही है शानदार कंटेंट के साथ। हम लोग दिन रात एक करने चल रहे हैं पूरे समर्पण से। अभी टीम के सभी सदस्य बारी बारी से आप लोगों से मिलेंगे। हम लोग यह बैच प्रारंभ कर रहे हैं 4 अक्टूबर से। 4 अक्टूबर से इस बैच में कक्षाएं प्रारंभ होंगी। आप सभी लोगों की प्रवेश प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ है। यह हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर है, जिन नंबर्स पर फोन करके आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। यह हमारा एंट्री नंबर है। इस एंट्री नंबर पर आप यूपीपी यूपीएसआई एंट्री 2023 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम आपसे एक विस्तृत मैसेज के माध्यम से संपर्क करेगी। यह सबसे आसान यह है कि यह हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, टारगेट ऑन का ऐप। आप इस डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। तो आप सभी सदस्य जो यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, 4 अक्टूबर से इस एकलव्य बैच में हम सभी लोगों के साथ अपने अध्ययन को प्रारंभ कर सकते हैं। तो यही विषय विशेषज्ञों की टीम आपके साथ होगी। यह महज एक बैच नहीं है, बल्कि आपके चयन के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। जो भी अनिवार्य विषय वस्तु आपके चयन के लिए आवश्यक है, वह इस बैच के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। हम 5 से 6 घंटे लाइव कक्षाओं में प्रतिदिन आपको पढ़ाएंगे। सारे नोट्स आपको प्रिंटेड माध्यम से दिए जाएंगे। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, तो उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस या हम कहें लाइव डाउट सेशन लिए जाएंगे। एक जबरदस्त रैंकर टेस्ट सीरीज भी इस बैच में आपके साथ शामिल है। प्रत्येक विषय से 50 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपके इस विषय में शामिल है। कंप्लीट मैराथन रिवीजन, और जब परीक्षा के नजदीक आप होंगे तो लगभग यह टीम मिलके कंप्लीट आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराएगी। तो यह केवल एक बैच नहीं है, बल्कि आपके चयन के लिए एक पूरा पैकेज है, जिसको हम एकलव्य बैच के रूप में आपके समक्ष लेकर आए हैं। 4 अक्टूबर से यह बैच प्रारंभ होगा। आप सभी लोग पूरे समर्पण से, अगर आपने वास्तव में वर्दी पहनने का सपना देखा है, तो आप आइए इस बैच से जुड़िए। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जो बच्चा इस बैच से जुड़ेगा, हम इस बैच के रिकॉर्ड को कायम रखेंगे। हम दिन रात इस बैच पर मेहनत करने चल रहे हैं, और जो टीम के सदस्य मेरे सहित इसके बाद आपको दिखने वाले हैं, हम सभी लोग मिलकर इस बैच को पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने टीम के सदस्यों से मिलिए। 4 तारीख से इस बैच में मुलाकात होगी। इस बैच के बारे में और भी जानकारियां धीरे धीरे आपको प्रेषित होती रहेंगी। सभी की बातें सुनिए, उनकी योजनाएं सुनिए, और इस बैच में जो आपने सपना देखा है वर्दी पहनने का, आइए हम एकलव्य बैच में एक साथ जुड़कर उस सपने को पूर्णता की ओर ले चले। आपकी सफलता ही हमारी सामूहिक सफलता है। अब एक एक करके टीम के सभी सदस्य आपसे रूबरू होंगे और बहुत संक्षेप में अपनी बातों को आपको बताएंगे। हर एग्जाम के कुछ अलग से चैलेंजेस होते हैं, उसको क्रैक करने के लिए अलग से स्ट्रेटजी रणनीति बनानी होती है। आगामी यूपीएसआई और यूपीपी एग्जाम के लिए हमने एकलव्य बैच के रूप में ऐसी ही रणनीति प्लान की है। इसके पहले भी पिछली यूपीएसआई वैकेंसी के लिए हमने आपको एकलव्य बैच दिया था। बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्टेड हुए और आज वे यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसी एकलव्य बैच के नाम के साथ हम फिर से एक नए सिलेक्शन बैच का प्लान कर रहे हैं, और वह बैच आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हालांकि नाम वही है, लेकिन कंटेंट अपडेटेड है, अपग्रेडेड है, एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इस बैच के माध्यम से मैं संदीप तिवारी आप सभी का मैथमेटिक्स का पार्ट कवर कराऊंगा। मैथमेटिक्स हमेशा से आपके लिए एक चैलेंज रहा है, और हमें जानते हैं और ये मानते भी हैं कि अगर हमारी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो हमारा सिलेक्शन रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि परीक्षा का नेचर अलग है, परीक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल अलग है। इसलिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी हमारी अलग है, और मैं निश्चित तौर पर आज जैसे अन्य परीक्षाओं में एग्जाम रिलेटेड और ऑथेंटिक ओरिएंटेड कंटेंट आपको देता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, इस परीक्षा के लिए भी मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी प्लानिंग के तहत मैथमेटिक्स हर वर्ग के लिए, कमजोर से कमजोर, मीडियम लेवल और स्ट्रांग से स्ट्रांग बच्चे के लिए, मैं मैथमेटिक्स को बहुत ही बेहतर और वैल्यूएबल आपके लिए बनाने जा रहा हूं। आप अपनी परीक्षा में उस पार्ट को, उस भाग को जो मैं क्लास के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा, उसको आप देख सकेंगे। बैचेस में मैं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में आपका इंतजार करूंगा। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रीवियस ईयर हल करने हैं, कैसे
हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, किस प्रकार से हमें टेस्ट देने हैं और किस प्रकार से हमें अपने मार्क्स को बढ़ाने हैं, इसकी पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको इसकी पूरी प्लानिंग मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। आइए बैचेस में इंतजार करता हूं, वहीं मुलाकात होती है और पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी बातों को वहीं पे स्पष्ट करता हूं। जोश कभी कम होने ना देना, जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। मैं पंडित अमरेश भट्ट टारगेट ऑन के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने एकलव्य बैच लाया था और उसमें कीर्तिमान स्थापित किया था, उसी कीर्तिमान को पुनः दोहराने के लिए हम पुनः एकलव्य बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हिंदी का सेगमेंट मैं स्वयं देखूंगा और उसके हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आपका कोई भी डाउट न रह जाए, कोई भी शब्द को लेकर अधूरापन न रह जाए, उसमें शब्द शब्द पर हम लोगों ने मेहनत किया है और उस पर हम आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं। बस इंतजार है कि आप कमर कस लीजिए, अपने स्वप्न को उड़ान दीजिए और मेरे साथ जुड़िए, यानी टारगेट ऑन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। मैं आपके स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए आ गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और बहुत बहुत प्यार। पुनः मिलते हैं आपसे, क्लास में मिलते हैं और अपने इस एकलव्य की अवधारणा को धारित करते हुए हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन में। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपके साथ आपके एकलव्य बैच, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, यूपीपी यूपीएसआई का बैच। इसी में आपके संविधान के पोर्शन को लेकर मैं आपके साथ चलूंगी, जिसमें आ रही सारी समस्याएं, कितने संशोधन, कैसे क्या संशोधन हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। करना क्यों है? क्योंकि करना है, लड़ना है, तभी आगे बढ़ना है। ये बैच स्पेशल आप लोगों के लिए है, ताकि आप अपनी सफलता की सटीक रणनीति तैयार करके सफल हो सके, अपने लक्ष्य को पा सके। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी सफलता में आ रही सारी बाधा, सारे लग रहे समय सीमा को कम करके, जितनी कोशिश करके इसको सहज और सरल बना सकूं। तो मिलेंगे आपके अपने बैच में सारी सटीक रणनीतियों के साथ, क्योंकि कहा जाता है जिन्होंने हौसला रखा है, जिन्होंने अपने को मजबूत कर रखा है, उन्हीं को आगे लेकर अपनी मंजिल की ओर चलना होगा। चलने में मैं सहायता कर सकती हूँ, वो सहायता इतनी कारगर होगी कि वो आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह होगी, ये मेरा अथक प्रयास होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मंजिल तो मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन के एक और एक ऐसे बैच में, जिसमें पढ़ाए हुए अधिकांश विद्यार्थी इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टारगेट ऑन के द्वारा संचालित होने वाले एक बैच का, जिसका नाम था एकलव्य बैच। यह बैच आज से लगभग 2 वर्ष से पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था। इसमें पूरी टीम के द्वारा बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया गया था, जैसा हर एक बैच में हम लोग पढ़ाते हैं, और ऐसा ही एक बैच और रवि सर के मार्गदर्शन में आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं गौरव नरेंजन आप सभी को भूगोल विषय पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ जो पर्यावरण का पार्ट है, जैसे पर्यावरण के अंतर्गत जो भी आंदोलन है या फिर दिवस है या फिर राष्ट्रीय पार्क है, उनकी भी कक्षाएं आपको मेरे द्वारा दी जाएंगी। तो इस बैच से जरूर जुड़िएगा और अपने कंधों पर जो सपना देख रखा है, वर्दी पर, अपनी वर्दी पर अपने कंधों पर सितारे लगाने का, उस सपने को साकार कीजिएगा। धन्यवाद। सही समय के साथ में एक लिया गया अच्छा फैसला आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। नमस्कार, मैं एनके सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस एकलव्य बैच में। जीवन आपको हर बार अवसर नहीं देती है, हर बार आपको अवसर नहीं प्रदान करती है। कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आपको अपनी काबिलियत को खुद ही सिद्ध करना पड़ता है, और आपके लिए यूपीपी और यूपीएसआई एक बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। और आप सभी ये जानते हैं कि पूरी टारगेट ऑन की टीम पुराने एकलव्य बैच में कितने बेहतरीन तरीके के साथ में, कितनी सशक्त भावना के साथ में, कितनी सशक्त टीम के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हुई थी, और अब की बार हम उससे भी बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करने चल रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। याद रखिएगा, हर एक माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी करे, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ में अगर उसके शरीर पर वर्दी रहे, उसके कंधों पर स्टार लगा रहे, तो उसकी बात ही कुछ दूसरी होती है। तो आप सभी को मैं आह्वान करता हूं, आप सभी का स्वागत है इस पूरी टारगेट ऑन टीम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
जैसा कि आप जानते हैं कि शीशे की तरह लोग हमें तोड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि टारगेट ऑन पानी है, जो लाठी मारने से भी नहीं अलग होता है। एकलव्य बैच पुनः आरंभ है आपके द्रोणाचार्यों के साथ, और जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, जो भी विद्यार्थी को अपने कंधे पर सितारा चाहिए, जो भी विद्यार्थियों को एक सपना पूरा करना है, वो हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और मैं गौरव पांडे, आप जानते हैं मैं इतिहास विषय को डील करता हूं, और अगर इतिहास विषय से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं वो आपके सामने मैं आपके सामने हाजिर करूंगा, सारे प्रश्न हूबहू आपको मिलेंगे। तो भरोसा कई पे करिए, लेकिन किसी एक पे करिए जो आपके साथ हो, और वो है टारगेट ऑन। सभी को धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु पटेल, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स इन टारगेट विद आलोक, आप सब लोगों से अर्थशास्त्र विषय को लेकर यूपीपी यूपीएसआई के एकलव्य बैच में मुलाकात करूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं में अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, और इस चुनौती को किस तरीके से हम आसानी से एक अपने विषय की समझ बनाते हुए हल करने के लिए सक्षम होंगे, ये आप लोग जब बैच में हमसे मुलाकात करेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अर्थशास्त्र विषय को लोग सब्जेक्ट के रूप में लेते नहीं, विषय के रूप में नहीं लेते, और जिसकी वजह से बहुत बार ये होता है कि आप एक दिवसीय परीक्षाओं में कभी एक नंबर से, कभी दो नंबर से, या कभी इससे ज्यादा अंकों से मेरिट लिस्ट से बाहर छट जाते हैं या बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब देखिए, जो आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ होता है, उस पाठ्यक्रम को जब आप समान वेटेज, समान रूप से आप अध्ययन करेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आप सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ में आप सभी लोगों से मैं एकलव्य बैच में मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच।